हेलो एवरीवन, मिसेस कंफ्यूजन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योति मलिक और मेरे साथ हैं आरजे निशा। हेलो निशा जी। हेलो एवरीवन, रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट शो लेकर हम हाजिर हो गए हैं। रात के 10 और टाइम हो गया है गेम खेलने का। तो दोस्तों, ये मिसेस कंफ्यूजन जिसमें होंगे आपके लिए 10 सवाल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिनके आंसर्स आप हमें हमारी स्काइप आईडी जो कि है RADIO UDAAN उस पर दे सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि है उड़ान लाइव शोज, उसमें भी आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो अपने पेंसिल्स, कॉपीज, पेपर्स, ब्रेल स्लेट्स, नोटपैड्स खोल लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज बिल्कुल तैयार हैं और आपको इस शो में आज बहुत मजा आने वाला है। तो ज्योति, हम ऑलरेडी आज लेट हैं, शुरू करें शो को। जी बिल्कुल, शुरू करें तो फटाफट से हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिसनर्स, आप तैयार हो जाइए आंसर्स करने के लिए रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप पर और रेडियो उड़ान के स्काइप आईडी पर। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के बहुत से ग्रुप्स हैं, इवन आप फेसबुक या हमें मेल भी कर सकते हैं mail@radioudaan.com पर, कि आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाए। तो चलिए निशा जी, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन? जी हाँ, आपको इन ऑल्टरनेटिव लेटर्स में से रिलेटेड लेटर्स बताने हैं। अगर अकोमोडेशन रेंट के साथ है, अकोमोडेशन इज टू रेंट, देन जर्नी इज टू व्हाट। इफ अकोमोडेशन इज टू रेंट देन जर्नी इज टू व्हाट, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एक्सपेंस, ऑप्शन बी ऑक्ट्रॉय, ऑप्शन सी फ्रेट, ऑप्शन डी फेयर। जी हाँ, आपको बताना है कि अकोमोडेशन इफ अकोमोडेशन इज टू रेंट देन जर्नी इज टू व्हाट, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एक्सपेंस, ऑप्शन बी ऑक्ट्रॉय, ऑप्शन सी फ्रेट, ऑप्शन डी फेयर। तो आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ लिसनर्स, तो इसी के साथ ही एक मिनट खत्म हो जाता है। टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारी जो टिकी चली नहीं। चलिए निशा जी, तो जो आंसर्स आपके पास हैं आप पढ़िए और मैं देखती हूँ ग्रुप में क्या आंसर्स आए हैं। बिल्कुल, मैं आंसर्स बता देती हूँ। आशीष अग्रवाल जी का आंसर है ऑप्शन सी, मनीष अग्रवाल जी का है ऑप्शन ए, राजेंद्र जोनी जी का ऑप्शन है ऑप्शन सी, तन्मोय सरदार जी का ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो मेरे पास यही आंसर्स हैं ज्योति। ओके, और यहाँ पर हर्ष अग्रवाल जी कह रहे हैं टू। ओके, उसके अलावा तो मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं है, अभी एक ही मैसेज आया हर्ष अग्रवाल जी का। ओके,
तो चलिए हम आंसर्स बता देते हैं। एक सेकेंड, एक मैसेज और आया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऑप्शन टू। लक्ष्मण जी जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर्स जल्दी मिलने चाहिए। तो आई थिंक आज तो टाइम भी ज्यादा मिल गया क्योंकि टिक टिक चल नहीं रहा था काउंट डाउन। चलिए तो यही आंसर है मेरे पास जी। ठीक है, ऑप्शन मिस्टर तन्मय सरदार जी का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी फेयर। मुझे लगता है कि बाकियों को जो समझ नहीं आया वो आंसर दे दिया। एनीवेज कई बार जो हम नहीं सोचते बहुत सिंपली आंसर होता है। अकोमोडेशन रेंट है तो एक्सपेंस फेयर है। अकोमोडेशन हमें कहीं चाहिए तो हमें रेंट पे करना पड़ता है, ऐसे ही अगर हमें कोई जर्नी करनी है तो हमें फेयर देना पड़ता है किराया। तो हमारे ऑप्शन थे एक्सपेंस, वो तो हमें पता ही है एक्सपेंसेस खर्चा टाइप। ऑक्ट्रॉय जो होता है वो एक टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, जो हमारे पास गुड्स आते हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है, ऑक्ट्रॉय वो टैक्स होता है। और फ्रेट होता है जैसे कि लोडिंग हमारे वैगन, उसमें वो उसका जो किराया लगता है उसे फ्रेट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है फेयर, जब हमें कहीं जाना होता है तो हमें फेयर पे करना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी तो शुरुआत ही है। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी क्विंटल, ऑप्शन सी टन, ऑप्शन डी गैलन। आपको इन चारों में से ऑड वन आउट बताना है। आपके ऑप्शंस मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी क्विंटल, ऑप्शन सी टन, ऑप्शन डी गैलन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। इसी के साथ ही हमारा बजर खत्म हो जाता है। और निशा जी मेरे पास सभी आंसर्स एक ही आया है, वो भी देवराज सिंह जी का, जो कह रहे हैं ऑप्शन फोर। और देवराज सिंह जी का पिछले क्वेश्चन का आंसर भी आया था पर अनफॉर्चुनेटली हम रीड नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत लेट था। अभी तक और कोई आंसर नहीं आया है आपके पास जो स्काइप पर आए हैं, आप रीड कर दीजिए। बिल्कुल, तन्मोय जी का आंसर है ऑप्शन फोर, मनीष अग्रवाल जी ऑप्शन फोर, आशीष अग्रवाल जी ऑप्शन फोर, राजेंद्र जोनी जी ऑप्शन फोर। फोर 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 फोर, तो फोर रॉन्ग कैसे हो सकता है, अब ये देखते हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलिए फिर क्या बात है, फोर सही है, ज्योति मलिक ऑल्सो फोर। तो बस एक और आंसर भी पहुंचा है, मेरे पास भी एक और आंसर। लक्ष्मण जी ने वन कहा है, चलिए आपका सही तो नहीं है बट लेट भी था, कोई बात नहीं। अब मैं एक चेक कर लेती हूँ, एक मेरे पास ऑप्शन और आया है, हरिदर हनी जी का। हनी भाई वेलकम ऑन द शो। बट बहुत लेट आंसर है, अगर आंसर भेजा है तो। हमने अभी आंसर्स अनाउंस नहीं किए थे तो आज हम इनका ले लेते हैं पहली बार। चलिए पहली बार नाराज नहीं करना किसी को, निशा जी सही है। चलिए तो ठीक है, तो आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन फोर। मैं आपको बता देती हूँ, किलोग्राम, टेन, टन और क्विंटल ये सॉलिड्स को मेजर करने के लिए होते हैं और गैलन लिक्विड्स को मेजर करने के लिए। दैट वे ये गैलन इज द आउट वन आउट। चलिए अब हम क्वेश्चन थ्री की तरफ बढ़ते हैं। यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से आपको ये पांच वर्ड्स अरेंज करने हैं
और दोस्तों यहाँ पर आप नंबर लिख लीजिए वर्ड्स के साथ, और अगर आपको वर्ड्स लिखने में टाइप करने में प्रॉब्लम होगी तो आप नंबर वाइज हमें लिख सकते हैं कि कौन सा वर्ड पहले है कौन सा बाद में, जैसे 3, 2, 1, 4, 5 लाइक दैट। ओके, तो ऑप्शंस हैं आप, तो आप आपके वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड है सिचुएशन, सेकंड वर्ड है सिल्वर, थर्ड वर्ड है सितार, फोर्थ वर्ड है सिंपल, फिफ्थ वर्ड है सिग्नल। आपको इन पांचों वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा उसको पहले रखकर आपको ये पांचों वर्ड्स बताने हैं। ऑप्शन आपके वर्ड्स हैं फर्स्ट वर्ड सिचुएशन, सेकंड वर्ड सिल्वर, थर्ड वर्ड सितार, फोर्थ वर्ड सिंपल, फिफ्थ वर्ड सिंगल। तो आपको इन पांचों वर्ड्स को अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए। ऑप्शन ए 51324, ऑप्शन बी 14253, ऑप्शन बी है 14253, ऑप्शन सी 52431, ऑप्शन डी 42153। मैं ऑप्शंस रिपीट कर देती हूँ, आई सपोज मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़े हैं। चलिए ऑप्शंस रीड कर देती हूँ मैं जल्दी से। ऑप्शन ए 51324, ऑप्शन बी 14253 एंड ऑप्शन 3 52431, ऑप्शन डी 42153। तो आप जल्दी से आंसर कीजिए, वैसे ऑप्शंस ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्वेश्चन से ही फटाफट अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए, बट फिर भी हमने ऑप्शंस बताए हैं। काउंटडाउन अगर आप ऑप्शंस लिखेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा फटाफट से टाइप करना, टाइप करने के लिए बिल्कुल। तो जल्दी से आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अदरवाइज आप नंबर सीरियल ऑर्डर में लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब से। जी तो इसी के साथ ही हमारा बजर खत्म होता है। निशा जी कितने आंसर्स आए आपके पास? मेरे पास दो आंसर्स आए हैं, आशीष अग्रवाल जी और मनीष अग्रवाल जी, जिनका कहना है ऑप्शन सी। और आशीष अग्रवाल जी का ऑप्शन मैं देखती हूँ, उन्होंने वर्ड्स लिख दिए हैं, तो आई विल मेक आउट कौन सा ऑप्शन है। ओके मेरे ऑप्शंस में तो कोई भी नहीं है उनका आंसर, एक्चुअल में उनका आंसर ऑप्शन से बाहर ही है। एनीवेज कोई बात नहीं, तो मेरे पास भी निशा जी हर्ष अग्रवाल जी का आंसर आया है जो कि कह रहे हैं ऑप्शन वन, वन लिखा है उन्होंने। ओके और उसके अलावा मेरे पास कोई आंसर नहीं है। सरदार जी का भी आ गया है 54231, दैट इज ऑप्शन सी। तो यही आंसर्स हैं फिलहाल। चलिए आई थिंक एक और आंसर आया है मेरे पास, देवराज सिंह जी कह रहे हैं ऑप्शन थ्री और लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऑप्शन थ्री 331। ओके देवराज सिंह कह रहे हैं ऑप्शन थ्री और लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं ऑप्शन थ्री और हर्ष अग्रवाल जी कह रहे हैं ऑप्शन वन। ओके
तो राइट आंसर हमारा है हमारा ऑप्शन 3। और आशीष जी आपने आंसर चेंज किया है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं चेंज आंसर नहीं ले पाऊंगी। जी बिल्कुल ठीक है, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी 52431। ये है हमारा राइट आंसर। हमारे वर्ड से डिक्शनरी के हिसाब से हमें देखना था तो सिचुएशन में एस के बाद आई है, सिल्वर में भी एस के बाद आई है, तो हम सिचुएशन और सिल्वर में देखेंगे एस आई टी एस आई एल, तो सिल्वर पहले होगा सिचुएशन से। बिल्कुल। नेक्स्ट है सितार, फोर्थ फिफ्थ है सिग्नल, तो जी पहले होता है तो सबसे पहले सिग्नल हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया सिल्वर, फोर्थ है सिंपल, तो एल के बाद आएगा एम, मतलब लाइक बाकियों से पहले है वो, जैसे थर्ड है हमारा सितार तो टी से पहले एम आएगा, तो सितार से पहले हो गया सिंपल, और सिचुएशन में एस आई टी यू है तो वो सबसे लास्ट में आएगा, तो हमारा फिफ्थ वर्ड हो गया सिचुएशन। दैट वे हमने इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया। चलिए तो पहला सिग्नल, दूसरा सिंपल, या तीसरा यस सितार, तो दूसरा सिल्वर, या सॉरी दूसरा सिल्वर, तीसरा सिल्वर सॉरी, और फिर उसके बाद सितार, और लास्ट सिंपल सितार एंड सिचुएशन, सिंपल सितार एंड सिचुएशन, यस। तो ये हमारी करेक्ट सीरीज बन गई। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेजेस ऑफ किरण एंड श्याम 5:4 है, अभी प्रेजेंटली किरण और श्याम की एजेस हैं, एजेस की रेशियो है 5:4, और 3 साल बाद ये रेशियो हो जाएगी 11:9, तो हमें श्याम की प्रेजेंट एज बतानी है। जस्ट अ सेकंड, यस, श्याम की प्रेजेंट एज हमें इयर्स में बतानी है। राइट नाउ देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, और 3 years के बाद ये रेशियो हो जाएगी 11:9, तो हमें राइट नाउ शाम की एज आपको इयर्स में बतानी है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 24। मैं ऑप्शंस बता देती हूँ रिपीट, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 24। आपको शाम की प्रेजेंट एज बतानी है। राइट नाउ उनकी एजेस है 5:4 की रेशो में, और 3 years के बाद उनकी एज होगी 11:9 की रेशो में, तो आपका समय शुरू होता है अब। जी तो इसी के साथ ही हमारा बजर खत्म हो गया है। तन्मय सरदार जी ऑप्शन और क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। सर अब तो रिपीट नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम भी थोड़ा रह गया था। बिल्कुल। अब मेरे पास आज व्हाट्सएप पर रेस बहुत शांति है, शांति है वाकई शांति है। जो लोग व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, स्काइप पर शिफ्ट हो गया ऐसा लग रहा है। चलिए मेरे पास आंसर आए हैं हर्ष अग्रवाल जी का, वो कह रहे हैं ऑप्शन 4। ओके और बाकियों को भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आंसर कीजिए अगर आप आंसर करना चाह रहे हैं, क्योंकि लेट मिलेगा तो हम ले नहीं पाएंगे। जी निशा जी, हाँ जी, अच्छा एक ओके फाइन,
मैं स्काइप के आंसर्स बता देती हूँ. राजेंद्र जोनी जी का आंसर आया है ऑप्शन 3. आशीष अग्रवाल जी का ऑप्शन है 24, दैट इज आई थिंक ऑप्शन डी. हरिंदर हनी जी का ऑप्शन 26. मैं ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम ये क्या है. तन्मय जी सॉरी क्वेश्चन रिपीट. मनीष अग्रवाल जी ऑप्शन सी. दैट्स इट. ओके राइट आंसर इज ज्योति आज एक्सप्लेन करेगी इस क्वेश्चन को. ओ माय गॉड इतना टफ काम निशा जी मुझे देते हैं. देखो उस पिछली बार मुझे चेस में उलझा लिया, आज किस में उलझाना है. चलिए तो एजेस फाइंड आउट करके जरा बता दीजिए कैसे होती है ये, शायद मैं भी कोई एग्जाम क्रैक कर जाऊं. ट्राई ट्राई ट्राई. ओके तन्मय सरदार जी ने बाद में आंसर कर दिया था, वो मैंने देखा नहीं. 24. ओके मैंने रिपीट ही नहीं किया फिर भी आपको समझ में आ गया. ओह माय गॉड हाउ इंटेलिजेंट. सीरियसली. चलिए कोई बात नहीं, अब फिलहाल हम फटाफट से एक्सप्लेन कर देते हैं. किरण और शाम की प्रेजेंट एजेस है 5:4, तो हम इनको मानेंगे 5x एंड 4x. 3 ईयर्स के बाद ये एजेस होंगी 11:9 की रेशो में. तो 3 ईयर्स के बाद किरण की एज है 5x+3 और शाम की एज है 4x+3, बिकॉज 3 ईयर्स हेंस की बात हो रही है. तो 5x+3 डिवाइडेड बाय 4x+3 इज इक्वल टू 11/9. आप इनको इक्वेट करेंगे 9 इधर आ जाएगा, 9 × 5x+3 इज इक्वल टू 11 × 4x+3. तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 5 = 45x और वहां पर होगा हमारा 11 × 4 = 44x. तो 45x − 44x हमारे पास x आ जाएगा और वहां पर है 11 × 3 = 33 और इधर है हमारे पास 9 × 3 = 27. 36 − 27 = 6 और हमारे पास शाम की एज थी 4x, दैट इज 6 × 4 = 24. तो दैट वे हमने आंसर निकाल लिया, शाम की प्रेजेंट एज 24 ईयर्स. ओके तो फाइनल आंसर हमारा है 24, ऑप्शन है 4. ओके तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. तो आज का पांचवा क्वेश्चन रीड कर देती हूँ. ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी. डी गेट्स लेस मार्क्स देन ई बट मोर देन ए. इफ सी गेट्स लेस देन डी देन हु अमंगेस्ट A, B, C, D, and E gets the highest marks. Okay. Yes. अब मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से. A gets more marks than B, but less than C. D gets less marks than E, but more than A. If C gets less than D, then who amongst them? I mean A, B, C, D, E. Who gets the highest marks? एक बार options भी जल्दी से पढ़ देती हूँ. 1, C, 2, D, 3, E, 4, B. A ने तो पक्का ही नहीं लिए. चलिए इसे तो बाहर ही निकाल देते हैं. Question repeat कर देना चाहिए एक बार क्योंकि टफ लग रहा है. आई मीन सुनने में कई बार हो जाती है कंफ्यूजन. ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी. डी गेट्स लेस मार्क्स देन ई बट मोर देन ए. इफ सी गेट्स लेस देन डी देन हु अमंगेस्ट देम ए बी सी डी ई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स. 1 C, 2 D, 3 E, 4 B.
चलिए आपका अब समय शुरू होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। जी तो बजर खत्म होने के बाद अब आंसर्स पढ़ने की बारी है। निशा जी क्या आंसर्स आए हैं आपके पास? निशा जी इससे पहले कि मैं यहां मेरे पास जो आंसर है पढ़ूं, देवराज सिंह जी व्हाट्सएप पर बार बार लिख रहे हैं कि मैंने उनका आंसर नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास आंसर्स बहुत लेट मिले हैं। आपकी वेट भी की थी, मैंने कहा भी था कि आंसर्स जल्दी कीजिए। लक्ष्मण जी का आंसर भी आया था, काफी आंसर्स आए थे उसके बाद जब हम अगला क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। तो माफी चाहूंगी कि आपके आंसर्स मैं रीड नहीं कर पाई थी। अभी भी आपके आंसर्स बहुत नहीं मिले हैं मुझे, तो एक बार आप अपनी प्लेलिस्ट को रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। ये रेडियो बंद करके दोबारा प्ले कर लीजिए ताकि आप अप टू डेट हो जाएं, टाइम का फर्क ना हो। चलिए हर्ष अग्रवाल जी ने कहा है ऑप्शन टू, और मेरे पास मुझे नहीं लगता कोई आंसर्स है, आंसर है निशा जी, बाकी पिछले आंसर्स ही हैं। ओके मैं एक मिनट देखती हूँ मेरे यहाँ से अब निशा जी की वॉइस सही हो जानी चाहिए। निशा जी अब आप जो स्काइप पर आंसर्स हैं, बिल्कुल अब आप रिपीट कर दीजिए आंसर्स। मेरे को अब वहाँ से ठीक हो गया तुम्हारे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मेरे एंड से बिल्कुल करेक्ट है आपकी वॉइस। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ कि कोई आंसर तो नहीं। देवराज सिंह जी आशीष जी कह रहे कि अब ठीक हो गई है। देवराज सिंह जी का आंसर है ऑप्शन टू। तन्मय सरदार जी का ऑप्शन है ऑप्शन वन। ओके तन्मय सरदार जी कह रहे हैं मेरा ऑप्शन फोर लास्ट था। एनीवेज मैंने आपका ले लिया, ऑप्शन वन है आपका आंसर। चलिए तो मेरे पास पढ़ते हैं देवराज सिंह, देवराज सिंह जी लेट आंसर है, थ्री कह रहे हैं, तो इनका भी नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो अब हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन थर्ड, दैट इज ई। हाईएस्ट मार्क्स होंगे ई के। A gets more marks than B, तो A के B से तो कमी है, और बट उस A के C से भी, A get more marks than B but less than C, तो it means C A B, ये हमारे पास आ जाता है। D के E से less है बट मोर देन ए, तो इसका मतलब ई के सबसे ऊपर हो गए, सबसे ज्यादा हो गए ई के, फिर ए, फिर डी, फिर सी और बी है। तो दैट वे हमें बाकी का अगर नहीं भी रेशो पता चल जाता तो हमें मेन पता चल गया कि ई के हाईएस्ट मार्क्स हैं।
क्योंकि अभी तक सबसे ऊपर था हमारा वी और उससे भी ज्यादा है हमारे पास ई के, तो दैट वे ई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। तो चलिए जिसने ऑप्शन सी कहा है उन सबका राइट है। ओके ग्रेट, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। आज का 6वां क्वेश्चन है, रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फोर किलोमीटर्स। He again turns left and walks 4 kilometers. Walks for 3 kilometers. Sorry. At this point, he turns to his left and walks for 3 kilometers. How far is he from his starting point? Question दोबारा से read कर देती हूँ. Rohan walks a distance of 3 kilometers towards north, turns to his left and walks for 2 kilometers. He again turns left and walks for 3 kilometers. 3 kilometers, right. At this point, he turns yes. to his left and walks for 3 kilometers. How far he is from his starting point? Options A, 3 kilometers. Option B, 2 kilometers. Option C, 1 kilometer. Option D, 5 kilometers. निशा जी, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करने की जरूरत है? वैसे है नहीं, बट फिर भी मैं कर देती हूँ। रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, देन अगेन 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड देन अगेन 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो आपको बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर होगा, कितनी दूर है। तो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए 3 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी 1 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर्स, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, तो मेरे पास व्हाट्सएप पर अभी तक सिर्फ 2 आंसर्स मिले हैं। मैं रीड कर देती हूँ। चेतन जी, चेतन महाजन जी, आपका स्वागत है। इनका कहना है ऑप्शन सी, और हर्ष अग्रवाल जी कह रहे हैं ऑप्शन 4। यही आंसर्स है मेरे पास निशा जी। ओके, तन्मा हरिंदर हनी जी का है ऑप्शन सी, तन्मोय सरदार जी का है क्वेश्चन अगेन। सॉरी तन्मोय जी, आज आपकी प्लेलिस्ट में गड़बड़ है, या तो या आपके नेट में प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो। चलिए, देवराज मनीष जी का है ऑप्शन सी, आशीष अग्रवाल ऑप्शन सी, दैट्स इट। मेरे पास देवराज सिंह, इनका कहना है ऑप्शन डी। अब ओके, तन्मय जी ने अपना आंसर दिया ऑप्शन सी। चलिए एनीवेज, ये क्वेश्चन सुनने बिना बड़ा अच्छा आंसर देते हैं। एनीवेज, चीटिंग करके भी पेपर में पास हो जाएंगे वो बात ठीक है, बट आपको नॉलेज नहीं होगी क्योंकि आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं, फिर भी आपने आंसर कर दिया।
एनीवेज राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 किलोमीटर. मैं आपको बता देती हूँ, रोहन 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद उसके लेफ्ट में दैट इज वेस्ट में फिर से वो 2 किलोमीटर गया, फिर से उसके लेफ्ट में दैट इज साउथ की तरफ वो 3 किलोमीटर गया, और फिर वापस वो 3 किलोमीटर गया अपने लेफ्ट में, ये होगा ईस्ट की तरफ, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर ईस्ट की टूवर्ड्स होगा, तो दैट वे वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर है. तो द राइट आंसर इज 1 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन सी. ओके, तो अब बढ़ना है. छोटा सा ब्रेक लेके पहले स्कोर्स कर लेते हैं. बिल्कुल, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं और वापस आते हैं. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स. ओ शट अप यार. यार किरण, जरा 20 रुपए देना. 20 रुपए किस लिए? गरीब को देने हैं. और गरीब कहाँ है? बेचारा बाहर धूप में खड़ा आइसक्रीम बेच रहा है. ओ शट अप यार. फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com. कीप लिसनिंग एंड कीप लाफिंग विद रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिसेस कंफ्यूजन में. पता निशा जी, मेरे मुंह से निकलना शुरू हो जाता है उड़ान आइडल में. चलिए, तो करेक्ट करके मुझे सोच के बोलना पड़ता है, और कई बार ये निकल आता है टेक सिटी में. तो चलिए, मिसेस कंफ्यूजन है, आपके आंसर्स हमें मिल रहे हैं. बिल्कुल, और अब तो मैं फटाफट से पहले का स्कोर बता दूं. जी, तन्मय जी का है 5, जॉनी राजेंद्र जोनी जी 2 पॉइंट्स, आशीष अग्रवाल जी 4 पॉइंट्स, देवराज सिंह जी 3 पॉइंट्स, मनीष अग्रवाल जी 3 पॉइंट्स, हनी जी 3 पॉइंट्स, लक्ष्मण जी 1 पॉइंट, हर्ष जी 1 पॉइंट, चेतन महाजन जी 1 पॉइंट, दैट इज स्कोर्स. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ज्योति, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. क्वेश्चन नहीं, एक दिस इज अ वेरी स्मार्टनेस ऑफ माइन. मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और मैं 9 में से 1 निकाल कर उसे 10 बना सकती हूँ. कैन यू? 9 में से 1 निकाल कर और उसे 10 बना सकती हूँ मैं. यार अब ये मानती हो तुम मुझे? नहीं मानती भाई, मुझे नहीं पता. जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, या तो पहले बताओ. मानोगी तभी तो बताऊंगी. पहले बताओ फिर मानूंगी. चलो ज्योति, अगला क्वेश्चन जो है वो तुमसे थोड़ा सा रिलेटेड है. अच्छा, मुझसे रिलेटेड है, ठीक है. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग. आपको इसके लिए करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है. A person who eats too much is called option A glutton, option B nibbler, option C cannibal, option D omnivore. आपको बताना है कि वो इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है. मैंने ज्योति तुम्हें कुछ नहीं कहा अभी, मैं अपनी मम्मा को बुला के लाती हूं. ऑप्शन ए ग्लटन, ऑप्शन बी निबलर, ऑप्शन सी कैनिवल, ऑप्शन डी ओमनिवोर. आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या है. अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
जी तो अब आंसर्स रीड करने का टाइम है हमेशा की तरह। निशा जी व्हाट्सएप पर शांति है आज, आई डोंट नो व्हाई, हर लोग कोई नाराज है ज्योति से। यार सही बात है, ऐसा क्या हो गया? भी क्या नाराज किया, गेम तो खेल लो, गेम तो खेल लो। आशीष अग्रवाल जी का ऑप्शन है ऑप्शन ए, तन्मोय जी ऑप्शन ए, हरिंदर हनी जी ऑप्शन बी। मेरे पास भी तीन ही आंसर हैं। उड़ान लाइव शोज ग्रुप में हर्ष अग्रवाल जी कह रहे हैं, एक सेकेंड मैं, मनीष अग्रवाल जी का भी आया है मेरे पास ऑप्शन ए, देवराज सिंह कह रहे हैं ऑप्शन ए, शफीक खान जी, अब आंसर आ रहे हैं शफीक खान जी, आज लेट हो गए, इनका कहना है ऑप्शन डी, और हर्ष अग्रवाल जी एट कह रहे हैं आई डोंट नो एट, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो अभी के लिए इनका आंसर तो कंसिडर नहीं हो पाएगा, तो ये दो आंसर्स है मेरे पास। यस तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ग्लटन। निशा जी तो मैं बाकियों के भी फटाफट से बता देती हूँ, ग्लटन तो हो गया, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, निबलर हु अ पर्सन ईट्स इन स्मॉल बाइट्स, छोटा छोटा निबल करना जैसे बेबी, कैनिबल अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जी जी जी, ऑमनिवोर इज दैट पर्सन जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का वो खाते हैं, लाइक वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ। Okay. तो दैट वे हमारा आंसर है ग्लटन, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, 7, 3, 2, 2, 4 क्वेश्चन मार्क, आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है 7, 3, 2, 2, 4 क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। सीरीज कंप्लीट करनी है 7, 3, 2, 2, 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी तो इसी के साथ टाइम खत्म होता है आंसर करने के लिए। दो आंसर्स आए हैं अभी तक, हरिंदर हनी जी कह रहे हैं 6 और आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं 8। मेरे पास दो आंसर्स हैं। ओके, शफीक खान जी कह रहे हैं बी, हर्ष अग्रवाल जी कह रहे हैं 1 यानी कि ए, और ओके यही शफीक खान जी कह रहे हैं बी, यस ओके। मेरे पास अभी और आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल आंसर लीजिए, अगर तब तक मेरे पास आते हैं मैं भी रीड कर दूंगी जरूर। हर्ष अग्रवाल, नो सॉरी, मनीष अग्रवाल ऑप्शन डी, तन्मोय सरदार 8, दैट्स इट। तुम्हारे पास और कोई है? नहीं निशा जी, जहां तक मुझे लगता है
तो देवराज सिंह रुके रुके ओके देवराज सिंह जी कह रहे हैं एट एट कौन सी ऑप्शन है डी है ऑप्शन डी है एट बस यही कहा इन्होंने ओके सो गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 24 God bless you. जी बिल्कुल तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी दैट इज 24 थोड़ा सा ट्रिकी था फर्स्ट था हमारा 7 और सेकेंड था 3 तो 7 के बाद 3 कैसे आया उसके लिए हम 7 को करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई और उसमें से 0.5 ही माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 3.5 माइनस 0.5 दैट इज 3 3 के बाद है हमारा 2 अब हमने पहले 0.5 से मल्टीप्लाई और माइनस किया था तो अब हम डबल करते जाएंगे उसे अब हम 3 × 1 माइनस 1 करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 2 नेक्स्ट में अब 1 को डबल करना है 1 हो जाएगा 2 अब करेंगे 2 × 2 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2 वो हो जाएगा 2 अब नेक्स्ट हो जाएगा हम इसे 2 को डबल कर देंगे तो 4 तो आप करेंगे 2 × 4 माइनस 4 दैट इज 8 माइनस 4 तो 4 हो गया नेक्स्ट नंबर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क जो कि हमें निकालना है तो हमने पहले 4 से किया था अब हम 8 से करेंगे 4 को डबल कर देंगे तो अब करेंगे हम 8 × 4 माइनस 8 दैट इज 24 8 4 जा 32 माइनस 8 दैट इज 24 तो दैट वे 24 इज आर राइट आंसर बहुत ट्रिकी आई मीन ट्रिकी क्वेश्चंस हैं आंसर्स थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि 1 से शुरू ना करके हमने इसमें 0.5 से शुरू किया था बिल्कुल yes. तो वो हिसाब किताब लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है शफीक जी ने हमें राइट आंसर दिया है आई सपोज यस तो चलिए अब ज्योति ने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया कि मैंने 9 में से 1 निकाला तो आखिर वो 10 कैसे बना दोस्तों आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि 9 में से 1 निकालकर उसे 10 कैसे बनाया जा सकता है अगर आपके दिमाग में आता है तो ठीक है वरना आज की मिस जीनियस मैं ही बनने वाली हूँ 9 चलो सोचती हूँ शायद कोई दिमाग लग जाए तो क्वेश्चन 9 की तरफ पढ़ते हैं हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एक्स वीक्स एक्स डेज आपको बताना है हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स नंबर ऑफ वीक्स एंड एक्स नंबर ऑफ डेज और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 14x ऑप्शन बी 8x ऑप्शन सी 7x² ऑप्शन डी 7 आपको बताना है एक्स नंबर ऑफ वीक्स एंड एक्स नंबर ऑफ डेज में टोटल कितने डेज होंगे ऑप्शन ए 14x ऑप्शन बी 8x ऑप्शन सी 7x² ऑप्शन डी 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ जी बजर खत्म होता है हमारा इसी के साथ ही देखते हैं कितने आंसर आए वैसे मैं निशा जी को बोल रही थी बड़ा टफ क्वेश्चन है मुझे इसका आंसर नहीं आता किसी को नहीं आएगा नहीं, नहीं बहुत आसान है देखो तन्मय जी ने दिया है दो आंसर्स मेरे पास आए हैं मुझे राइट लगता है तो इसी क्वेश्चन की राइट रॉन्ग मेरे पास 3 आए हैं पहले मैं रीड कर देती हूँ ओके धर्मेंद्र जी कह रहे हैं ऑप्शन 1 धर्मेंद्र जी लास्ट में
और शफीक जी कह रहे हैं 7x। ओके हर्ष अग्रवाल जी कह रहे हैं 3। ओके 3 क्या है? 3 आई सपोज 7x स्क्वायर है, ठीक है। ओके तो यही आंसर है मेरे पास फिलहाल। ओके तो मेरे पास है तन्मय सरदार जी 8x और आशीष अग्रवाल जी 8x। मेरे पास देवराज सिंह जी का आंसर भी आया है, वो कह रहे हैं सी, सी दैट इज 7x स्क्वायर। सी है 7x स्क्वायर जी। तो यही आंसर हैं, चार आंसर्स। तो चलिए राइट आंसर, और राइट आंसर है ऑप्शन बी 8x। ओ तो यस, और इट इज वेरी सिंपल, हमें पूछा गया था कि एक्स नंबर ऑफ वीक्स और एंड एक्स नंबर ऑफ डेज में टोटल कितने डेज होंगे। एक्स नंबर ऑफ वीक्स में, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो एक्स नंबर ऑफ वीक्स में होंगे 7 × x 7x डेज प्लस एक्स नंबर ऑफ डेज, इट मींस 7x प्लस x विच इज 8x। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके ज्योति को अब समझ आ गया? अब तो बिल्कुल आ गया। ये जिस क्वेश्चन में x आ जाता है ना, वो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आते। चलिए कोई बात, धीरे धीरे आ जाए, ज्योति को जरूर समझ में आएगा। तो ज्योति बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। सॉरी, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ए सन इज बीज ब्रदर। ओके तो आपको बताना है कि बी और सी का रिलेशन क्या है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, देन हाउ इज बी एंड सी रिलेटेड। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी ग्रैंडफादर, ऑप्शन डी अंकल। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, then how is B and C related? Option A father, option B brother, option C grandfather, option D uncle. And your time starts now. जी बजर खत्म होता है पूरे 11 बजे और निशा जी आंसर्स देखते हैं क्या आए हैं। वैसे मैंने तो फाइंड आउट कर लिया, निशा जी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ ना मैं। बिल्कुल जी, तो फिर आंसर्स क्या हैं आपके पास? तो आशीष अग्रवाल जी ने कहा है अंकल, मनीष अग्रवाल जी ने कहा है अंकल, अभी फिलहाल दो ही आंसर्स हैं। एक और आ गया तन्मय जी का। हरिंदर हनी जी पता नहीं क्या लिख रहे हैं। एनीवेज पहले मैं तन्मय जी का देख लेती हूँ। तन्मय जी अंकल, तन्मय जी अंकल, आंसर इज अंकल। यस ओके, वो मेरे एनीवेज चलिए हरिंदर जी का आंसर मैं बाद में पढ़ूंगी, फिलहाल आप अपने बताइए। बिल्कुल मैं बता देती हूँ, देवराज सिंह जी कह रहे हैं ऑप्शन डी। Okay. शफीक खान जी कह रहे हैं ऑप्शन बी, हर्ष अग्रवाल जी कह रहे हैं ए, चेतन महाजन जी कह रहे हैं डी।
ये आंसर्स हैं मेरे पास. बिल्कुल मैं ठीक है. तो इसके साथ हमारे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं. बट राइट आंसर जानना जरूरी है. राइट आंसर इसका तो मैं बता सकती. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. यस आज ज्योति एक्सप्लेन. आप तो बता ही दिया. ऑप्शन डी इज अंकल. राइट नाउ ज्योति विल एक्सप्लेन हाउ. निशानी देख लीजिए नुकसान ना हो जाए किसी का. मैं कर देती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, मैंने जो अपने हिसाब किताब लगाया. बहन बन नहीं पाएगा कितना भी आप कोशिश कर लीजिए. चलिए तो ट्राई करती हूँ. ए और बी ब्रदर्स हैं और सी और डी दोनों सिस्टर्स हैं. ये दोनों पेयर्स अलग हो गए. अब ए का बेटा आई मीन ए का सन जो है वो डी का ब्रदर है. भाई है. यस ओके. तो सी और डी दोनों सिस्टर्स थी. उन्हीं को ए के साथ जोड़ देते हैं. ए सी डी तीनों ब्रदर सिस्टर्स हैं है ना. ए सी डी नहीं मतलब ए का सन और सी डी. चलिए yes. तो ए का सन सी डी तीनों सिस्टर ब्रदर हैं. अब इनके फादर जो है वो ए हैं ठीक है. इनके yes, ए right. के तीन बच्चे हो गए. अब जो बी हैं वो ए के ब्रदर हैं. तो ऑब्वियसली हम आपने पूछा था रिश्ता बी के साथ सी का क्या है राइट या बी के साथ डी का. सी का पूछा था. ओके तो सी के फादर का जो ब्रदर है मतलब सी का जो चाचा या ताया कोई भी हो सकता है अंकल जिसे इंग्लिश में बोलेंगे यस yes. yes, तो वो है इनका रिलेशन आपस में इसलिए हम अंकल लिखेंगे. वो हमारा राइट आंसर. ये तो 11 बजे yes. थोड़ा सा दिमाग चल पड़ा. चलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करने के लिए. जल्द से स्कोर्स जान लेते हैं कौन जीता है आज के प्रोग्राम में. शफीक जी आई सपोज वन. यस शफीक जी 1 पॉइंट. चेतन महाजन जी 2 पॉइंट्स. हर्ष अग्रवाल जी 1 पॉइंट. लक्ष्मण जी 1 पॉइंट. हनी जी 3 पॉइंट. मनीष अग्रवाल जी 5 पॉइंट्स. देवराज सिंह जी 5 पॉइंट्स. आशीष अग्रवाल जी 7 पॉइंट्स. जॉनी राजेंद्र जॉनी जी 2 पॉइंट्स. और आज के एक बार फिर से विनर है तन्मय सदा जी विद 1 पॉइंट. कंग्रेचुलेशंस तन्मय. कंग्रेचुलेशंस. जस्ट 1 पॉइंट से आशीष जी पीछे रह गए. दोनों में बिल्कुल बिल्कुल लगातार कंपटीशन चल रहा था और आके तन्मय जी ने बाजी मार ही ली. एनीवेज मेरे क्वेश्चन का आंसर हनी जी ने ट्राई किया है. उन्होंने कहा कि 9 का गोला निकाल लो. वैसे लगा तो मुझे भी यही था सही बताऊं पर मैंने कहा बोलूंगी तो लगा यही था. पर बन तो निकाल ही लिया मैंने 9 का. खाली गोला गोला तो 0 ही बना. 10 कैसे बना वो. तो यार गोला एक तरफ रख लो और वो लाइन जो एक तरफ रख लो 10 हो गया. वो तो लाइन तो हमने दे दी फिर वन. एनीवेज दोस्तों मैं बता देती हूँ इसका आंसर बड़ा सिंपल था. और एक और बताओ इंटरेस्टिंग बात जो थी. क्वेश्चन मैंने खुद ही इन्वेंट किया है. अच्छा मैं जब भी फिर तो आंसर भी चलिए बताइए पहले फिर कमेंट करो. नहीं आंसर बहुत अच्छा है. रोमन न्यूमरल्स में 9 को लिखते हैं हम 1 और x और उसमें से 1 निकालेंगे तो खाली x बचेगा. दैट मीन्स 10. दैट वे 9 में से 1 निकाला बन गया 10. आंसर देखा दिमाग है मुझ में. है तो ट्रिक अच्छी है. चलिए बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. ऐसी ऐसी ट्रिक्स लाते रहा करिए. मुझे भी कंफ्यूज करना है इसलिए मिसेस कंफ्यूजन बोलते हैं. कोई ना कोई प्रोग्राम को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा है ना. बिल्कुल. चलिए तो आप इसी तरह से सुनते रहिए मिसेस कंफ्यूजन. आंसर्स देते रहिए. इवन रेडियो उड़ान जरूर सुनते रहिए. हर प्रोग्राम को अपना फीडबैक भी देते रहिए. और हम दोनों को दीजिए इजाजत. अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे इसी प्रोग्राम में इसी समय. गुड नाइट. और नए क्वेश्चंस के साथ सेम नहीं. गुड नाइट. टेक केयर. बाय बाय बाय.